नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप देख रहे हैं इस वर्तमान परिवेश में चुनाव प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में आरंभ हो गई है। कुछ अन्य प्रदेशों में भी विधानसभा चुनाव या अन्य चुनाव होते ही रहते हैं। जब इस तरह से चुनाव होते हैं तो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो पुलिस प्रशासन है वह कुछ लोगों को इसलिए पाबंद करती है ताकि इलाके में शांति बनी रहे और चुनाव प्रक्रिया या अन्य जो कार्य है वो आराम से संपादित हो जाए, शांतिपूर्वक संपादित हो जाए। अगर शो काज नोटिस का बिना जवाब दिए हुए ही हम अपने बंध पत्र और जमानत पत्र दाखिल कर देते हैं तो यह एक तरह से स्वीकारोक्ति होती है कि हाँ, ऐसे कमीशन हम करने वाले हैं, लोक प्रशांति हम विक्षुब्ध करने वाले हैं। तो ऐसा प्रिजम्पशन ना बने, इसलिए जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। यह जो प्रक्रिया है, हम जब RPWD एक्ट की बात करते हैं, दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 की बात करते हैं और उसके प्रकाश में 107-116 CRPC की बात करते हैं, तो दिव्यांगजन इससे मुक्त नहीं किए गए हैं। लेकिन आप जानते हैं, जब कोई अपराध करने की बात आती है तो मेंस रिया होता है, साशय वो कर रहा होता है, जानबूझकर कर रहा होता है। मान लीजिए कोई मानसिक मंदित व्यक्ति है, हमने पूर्व में एक वीडियो इस पर डाली थी, दक्षिण भारत के मामले को लेकर के रैली हो रही थी, उसमें वो मानसिक रुग्णता के शिकार थे और उनका IQ लेबल जब हाईकोर्ट ने देखा तो उसके बाद पुलिस को फटकार भी लगाई थी और उनके विरुद्ध FIR कोशिश भी कर दिया था। जब हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर जाते हैं, दिव्यांगता के आधार पर जाते हैं, तो वहां पर अगर दिव्यांगता के कारण कोई ऐसा कर रहा है तो वह जो दिव्यांग व्यक्ति है, जैसे जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बंधु हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के बंधु हैं, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बंधु हैं, या मेंटल इलनेस के बंधु हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके बंध पत्र और जमानत बंध पत्र, वह जो व्यक्ति है जो इस तरह से पीड़ित है दिव्यांगता से, वह नहीं भरेगा, बल्कि उसके गार्जियन भरेंगे, जो उनके अभिभावक होंगे वो भरेंगे। इसी तरह से जो माइनर है, माइनर मतलब 18 साल से कम आयु का है, अगर उसे व्यक्ति का नाम 107-116 की प्रोसीडिंग में आ गया है तो वह जो अवयस्क व्यक्ति है वह बंध पत्र और जमानत बंध पत्र की धनराशि नहीं भरेगा, बल्कि जो मुचलका भरा जाएगा, जो कार्यवाही होगी उसके जो अभिभावक होंगे उनके माध्यम से भरा जाएगा, यानी नेक्स्ट फ्रेंड। क्योंकि कानून के अनुसार अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और अवयस्क स्वयं कुछ भी कार्यवाही करने में अक्षम होते हैं, इसलिए कानून उनके अधिकारों को संरक्षण देता है और अभिभावक के माध्यम से इस तरह से कार्यवाही संपादित की जा सकती है। ज्यादातर आप देखते हैं जब चुनाव की प्रक्रिया आती है तो वहां पर जो सूचना देने वाले होते हैं कोई गैर नहीं होता, हमारे आपके बीच के ही होते हैं, और कभी कभी तो ये सूचना इतनी गलत होती है कि मात्र इस आशंका के आधार पर कि ये हमको वोट नहीं देंगे उनको वोट देंगे, या उनको वोट नहीं देंगे उनको वोट देंगे, जब वोट हमको इनसे मिलना ही नहीं है तो इनको इसी प्रक्रिया में फंसा दो, तो इससे बचना भी चाहिए, इससे दुरुपयोग होता है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जाती है वह पुलिस के माध्यम से जाती है, तो पुलिस की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह कोई भी सूचना उनके संज्ञान में जब आ रही है तो उसका विधिवत सत्यापन कर ले और तब उसके बाद एक कंक्रीट एविडेंस के साथ अपनी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि उसके आधार पर वो आगे प्रोसीड कर सकें और बैकफुट पर नहीं आना पड़े। CRPC की धारा 107 और 116 के अतिरिक्त अभी अन्य भी धाराओं की हम चर्चा करेंगे ताकि आप घबराएं नहीं और चुनाव ही क्या, कोई भी परिस्थिति आए
आप अपनी बात को न्यायालय के समक्ष लिखित में कह सकें। चलते चलते एक बात आपसे अवश्य निवेदन करेंगे, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को विजिट नहीं कर पाए हैं या विजिट किया परंतु किन्हीं कारणों से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप कृपया, यदि आपको लाभकारी लगता है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगता है, तो इसे आप सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन करें। लाइक शेयर कमेंट तो आपसे निवेदन रहेगा ही। आज की बात यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।